तो लाइक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। लास्ट क्लासेस में जो आपने सीखा है उसी के एप्लीकेशन पे बेस करके। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विथ यू कॉमा थीटा फ्रॉम ग्राउंड Find its angular momentum and torque on it t seconds later with respect to point of projection. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ये कुछ ऐसा लोकस में मान लो फॉलो करके गिर रहा है। अब इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी तो ऑब्वियसली हमें पता होगा, वो उसने दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी यू एंड एंगल थीटा। टी सेकंड्स लेटर की बात करें, जैसे टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है और थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन दिखा रहे हैं, यहाँ पे पहुंच गया, दिस इज टी सेकंड्स लेटर। पहले एंगुलर मोमेंटम ही निकाल लेते हैं। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और एक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। सिंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑलरेडी उसने कह रखा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये उसकी पोजिशन वैक्टर है। अगर आप देखोगे तो पोजिशन वैक्टर और जो वेलासिटी है वो दोनों तो 90 डिग्री पे नहीं है। है ना, पोजीशन और वेलोसिटी को 90 डिग्री पे नहीं है। इसका मतलब आपको कंपोनेंट ब्रेक करके ही करना पड़ेगा। एक तो ये कर सकते हैं आप, आर क्रॉस पी कर सकते हैं, आपको पोजीशन वेक्टर पता है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड वेलोसिटी वेक्टर पता है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो आंसर मिल जाएगा। बट उससे बेटर तरीका ये है अगर मैं पोजीशन वेक्टर के भी कंपोनेंट ब्रेक करूं, सॉरी इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक y है और एक x है। तुम देखो y जो है वो vx के साथ परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको? हां सर। ठीक है, और x अगर देखोगे तो vy के साथ परपेंडिकुलर है, दिख रहा है? यस सर। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो y का जो टर्न करने का जो एबिलिटी है vx की वजह से, वो क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको? यस, दिख रही है? दिख रही है? Yes, sir. ठीक है, और x का जो vy की तरफ वजह से टर्न करने का एबिलिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। दिख रही है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे तो इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो l की वैल्यू लिख रहे हैं, सो l विल बी इक्वल टू m इनटू vx इनटू y, दिस इज क्लॉकवाइज, एंड प्लस m into vy into x, this is anti-clockwise. अब किसी एक को आपको positive मानना पड़ेगा। मैं clockwise को positive मान लेता हूँ तो anti-clockwise आपका negative हो जाएगा। So this can be written as m into vx into y minus of m into vy into x and this will be clockwise. आपको समझ आया सबको यहाँ तक? समझ आया सभी को? हाँ हाँ सर। Values को substitute कर। आपको पता है velocity horizontal component तो change करता नहीं है, तो horizontal component अगर change नहीं करता तो उसको u cos theta लिख सकते हैं। And y coordinate after time t, तो आपको पता है u sin theta into t minus of half into g into t square, यही होगा ना? Right? हाँ सर। ठीक है, फिर इसमें subtract क्या करना है हमें, m into vy, vy कितना होता है? u sin theta minus of gt, and x कितना है? u cos theta into t, and ये पूरा का पूरा term में आपको clockwise multiply कर लेना चाहिए direction के लिए। ठीक है, अब जो चीजें common out हो रही है इसको बाहर कर सकते हैं। अब चेक करो, m into u square into sin theta into cos theta into t minus of m into u cos theta into half gt square, फिर यहां से आ रही है minus of m into u sin theta into mu square u sin theta cos theta into t and minus minus plus, so plus of half of gt square and into m into u cos theta. ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्लॉकवाइज है।
ठीक है, अगर आप एक्सेस नोटिस करोगे तो एक टर्म तो कट गया, दिख रहा है आपको, दिख रही है आपको? हाँ सर। और जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, अरे कुछ गड़बड़ किया हुआ अपने कैलकुलेशन में। अच्छा यहाँ पे हाफ नहीं रहेगा ना, ये सेकंड वाले में एक्सप्रेशन में जो हाफ नहीं रहेगा, देखो एक गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये हाफ एक्स्ट्रा है, ठीक है अभी देखो तो एक बार चेक करो, देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है ना? हाँ सर ठीक ही तो है। ठीक है हाँ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एम यू कॉस थीटा इंटू जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये आ रही है ना, आ रही है, आ रही है ये? हाँ सर। अगर आप देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम, अगर आप देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर ऑफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, है ना? हाँ सर। L proportional to t square आ रहा है, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको, L proportional to t square है, मतलब अगर कोई ग्राफ प्लॉट करता है L versus t, तो ये t और ये L, तो इस केस में ग्राफ आपको कैसा दिखता है, पैराबोलिक दिखता है ना? Yes sir। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये बोल दिया कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एंगुलर मोमेंटम सपोजिटली L नॉट हो गया है, तो बताओ जब पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे होगा तो कितना होगा, 4L नॉट, सॉरी टाइम डबल हो गया, हाँ तो 4L नॉट हो जाएगा, समझ आ रही है? हाँ सर। उस पॉइंट जाने का तो टाइम जितना है पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे टाइम डबल हो जाएगा ना, टाइम डबल होगा तो स्क्वायर करना है तो कितना होगा, चार गुना हो जाएगा, तो ये ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये तो आपने निकाल लिया। अब आते हैं टॉर्क पे, टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, आर क्रॉस एफ चाहिए। अब यहाँ पे चेक करो फोर्स कितनी लग रही थी, फोर्स तो इस पे एम जी लग रही है, और एम जी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर आप देखोगे तो एक्स है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो इसलिए टॉर्क के लिए अगर वैल्यू लिखोगे, टॉर्क एट अ पोजीशन x लिखोगे, मतलब एट अ टाइम t, तो mg into r परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, mg into x which is mg into u cos theta into t, आएगा ना? आएगा? आएगा सर। अगर आप देखोगे कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रही है, मतलब अगर अगर आपने टॉर्क और टाइम के अगर ग्राफ को प्लॉट किया होता तो ग्राफ कैसा आता, लीनियर आता। एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, अगर ये लीनियर है तो क्या हम डायरेक्टली टाउ को डीएल बाई डीटी लिख के डीटी को इधर आरएचएस में ले जाके डायरेक्टली एक लाइन में निकाल सकते थे क्या, एल को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता हमें? हाँ सर लिख सकते थे। समझ आ रही है आपको? देखो टॉर्क तो आपको एक लाइन में मिल चुका है, और टॉर्क मिलने के बाद हम इसी को डीएल बाई डीटी लिखते, इसको टाउ लिखा, ये वाली वैल्यू है mg into u cos theta into t, और dt को उधर लेके चले गए, तो l की वैल्यू या रादर dl की वैल्यू is mg into u cos theta into t dt, और इसी को इंटीग्रेट कर ले, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में ही हमारा ऑब्जर्वेशन है, एंड बाद में आपका l हो गया है, और इसको जीरो से लेके t तक, देखो एक्सप्रेशन क्या रहा है, l is equal to mg into u cos theta and this multiplied with t square by 2, देखो रिजल्ट मैच कर रहा है या नहीं? हाँ सर मैच कर, तो ये आसान हुआ ना, समझ आई? ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप अकॉर्डिंगली करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर हाँ बोलो सर, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, उसके बाद आपने कुछ बोला, ये और एक बार बता देंगे, मेरे को ठीक से समझ में नहीं है। अगर टाइम डबल होएगा कभी भी तो टाइम का डबल का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, चार गुना मिलेगा ना? चार गुना, हाँ हाँ। तो वही चीज मैंने बोला, टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने का जितना टाइम है, जमीन में लैंड करने का टाइम दो गुना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैंने बोल दिया एंगुलर मोमेंटम एल नॉट है, तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे एंगुलर मोमेंटम 4L नॉट होगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अभी चेक करो नेक्स्ट सेक्शन। मान लो यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिखा रखा है, यहाँ पे मान लो एक डिस्क के ऊपर हमने एक
रोप लपेट रखा है, मतलब इसको क्रॉसओवर करके रखा हुआ है, और इससे एक ब्लॉक को हैंग कर रहे हैं। इस ब्लॉक की मास मान लो कैपिटल एम है, और ये डिस्क है, डिस्क की मास स्मॉल एम एंड रेडियस आर दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पूछा है आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट हैज फॉलन थ्रू एच, एच हाइट अगर नीचे गिर चुका है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। देखो इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, एक है आप डायनेमिक से कर सकते हैं और दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इस तरह के सिचुएशन में एक्सेलरेशन निकालने का एक शॉर्टकट बताया था, याद है आपको, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूटिंग मास, याद है आपको? तो ये एक्सेलरेशन अगर हम निकालते तो नेट पुलिंग फोर्स कितना था, mg डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूटिंग मास अगर करें तो जो मास ट्रांसलेशन है उसके लिए तो पूरा m लिख लिया, और जो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन है उसके लिए icm / r2 / 2 एंड डिवाइडेड बाय r2 ये लिखेंगे आप, सर कैंसिल आउट हो गया, और अगर आप एक्सप्रेशन चेक करोगे तो यार 2mg डिवाइडेड बाय 2m + m, राइट, ये एक्सेलरेशन मिल गया। वंस यू हैव गॉट एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी की वैल्यू को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस विल बी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ a * s, u तो आपका जीरो ही है क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v विल बी रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ a * h, समझ आ गया आपको? यस सर। हां सर, अब दूसरा तरीका क्या है, अगर अगर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, अगर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं तो आपको पता है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही पूरे सिस्टम पे वर्क कर रहा है, टेंशन तो एक इंटरनल फोर्स है सिस्टम के लिए, तो अगर सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है तो मान लेते हैं कि एच हाइट से अगर नीचे गिर चुका है, इसके पास अगर वेलोसिटी भी आ चुकी है तो डिस्क के पास भी तो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ चुकी होगी, और अगर आप देखोगे तो जो डिस्क का पेरिफेरी है उसका वेलोसिटी कितना मिलेगा आपको, ओमेगा इनटू आर, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है, स्ट्रिंग के साथ तो ब्लॉक कनेक्टेड है, जितना वेलोसिटी ब्लॉक का होगा उतना ही तो स्ट्रिंग का भी होगा ना, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओमेगा इनटू r होनी चाहिए, कोई राइट? हां सर। अब हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जितना लॉस हुआ है दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी का गेन। अब काइनेटिक एनर्जी दो जगह है, एक ब्लॉक का ट्रांसलेशनल है और जो डिस्क है उसका रोटेशनल है, तो इसमें हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो mgh का लॉस हुआ है एंड दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन व्हिच इज हाफ ऑफ m * v स्क्वायर एंड प्लस हाफ ऑफ icom * ओमेगा स्क्वायर, icom कितना है mr स्क्वायर / 2 एंड * ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है v / r एंड इसका स्क्वायर, समझ आ गया आपको? देखो चेक करो समझ आ रही है? हां सर। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये एक्सप्रेशन बच रहा है आपके पास, हाफ को कॉमन आउट कर लें तो ये बच रहा है m and plus m by 2 and into v square, ye aa raha hai na, dikh raha hai sir, to velocity ki value kitni hogi, velocity becomes root under 2 into 2 matlab 4 m g h divided by 2 m plus m, isse bhi result nikal gaya, samajh aaye aapko, jo bhi convenient lage aap accordingly kar sakte hain, theek hai? ha sir okay, एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का सलूशन, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये मान लो एक स्मूथ सरफेस है, ये मान लो तीन ब्लॉक्स है, तीन ब्लॉक्स नहीं बोलना चाहिए, तीन स्फीयर्स है, मान लो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, तीनों पे मैंने क्या किया है, अलग अलग जगहों पे फोर्स लगाया है, एक पे यहाँ लगाया है F, एक पे एकदम सेंटर से पास करता हुआ सेम फोर्स F, और एक में नीचे से लगाया है सेम फोर्स F। अब बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर किसका सबसे ज्यादा होगा,
आइडेंटिकल है, ठीक है, ये सारे मासेस आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल स्फीयर्स दिए हुए, आपको सिर्फ ये बताना है कि किसके सेंटर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। बताओ सर, मिडिल वाला। कौन सा मिडिल वाला? क्यों, कौन बोल रहा है फिर एक बार नाम बताओ बेटा। सर मैं सौरदीप। सौरदीप जस्टिफाई करो बेटा। सर यहाँ पे पहले वाले केस में हम सेंटर ऑफ मास के पास होता हुआ लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जब फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही मिला है, तो इसके लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एंड लास्ट के सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, ये कैसे पता चल रहा है? सर फर्स्ट एंड लास्ट केस में एनर्जी थोड़ा सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तुम तो ये सोच रहे हो जैसे दोनों को हम लोग से माने तीनों को हम लोग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? हां सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर तुम लोगों को याद है हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सेंटर ऑफ मास में, तो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहला डायग्राम मैंने क्या ड्रॉ किया था, सबसे पहला फर्स्ट क्लास का फर्स्ट डायग्राम, किसी को याद है? अरे एक रॉड को हमने ट्रांसलेट कराया था। एक रॉड को ट्रांसलेट कराया था, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन कराया था सेंटर ऑफ मास में, यही कराया था। अपनी कॉपी खोल के देखो तो फर्स्ट क्लास में क्या दिख रहा है, बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो? हाँ देखो तो एक बार कॉपी खोल के, कॉपी तो पास में है ना आपके, देखो तो खोल के पहला क्लास में क्या है। पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास चैप्टर अभी खत्म हो गया है और अभी ये फालतू का जवाब दे रहे हैं आप लोग। छी छी छी, सेंटर ऑफ मास इज वन सच पॉइंट whose motion is not affected by the point of application of force. The only thing that is important is how much force has been applied and in which direction the force has been applied. In all the three cases, the force applied is F and it is horizontal. Kya description change ho raha hai? Sir. Aapko yaad nahi hai pehla class ka diagram hamara? एक रॉड था उसमें मैंने ऊपर में फोर्स लगाया था फिर बीच में फोर्स लगाया था। पेन फाइट वाला। हाँ सर पेन फाइट का एग्जांपल ले से समझाया था और उसमें समझाया था कि आपका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन था वो हर बार सेम आ रहा था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा था। देखो सेम क्वेश्चन को बस मैंने रॉड से चेंज करके एक स्फीयर बना दिया तो आपको आंसर नहीं देना आया, फिर क्या लर्निंग है आप बताओ मुझे, क्या लर्निंग हो रही है? फ्रिक्शन स्मूथ इंपॉर्टेंट क्यों था यहाँ पे? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो द ओनली फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड फोर्स एफ। अगर ये रफ होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंडेंट होती है नहीं होती? होती सर। तो फिर अब एक्सटर्नल फोर्स जो है अब वो डिटरमाइन करता है कि कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा कौन कम एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी अब एक्सटर्नल फोर्स आएगा और उसकी वैल्यू डिपेंडेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। नालायक हो सर, कुछ याद नहीं रखते हो। एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, सिंस एक्सेलरेशन ऑफ सीओएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या झटका लगा? अगर एक्सेलरेशन मतलब अगर आप एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का बोलोगे अब
तो ये वैलिड क्वेश्चन हो सकता है. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका सबसे ज्यादा होगा. थर्ड वाले केस में सबसे ज्यादा होगा. गुड, थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रांसलेशन और रोटेशन ऐसा ही है. थर्ड वाले केस के लिए ट्रांसलेशन तो ठीक है, सबका कॉमन है, बट इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है. और एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज आने की वजह से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी एक्सेलरेशन अल्फा आर प्लस ए हो जाएगी, जबकि जिसमें बीच में आपने अप्लाई किया तो प्योर ट्रांसलेशन होगा. इसमें तो एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा नहीं, अल्फा जीरो रहेगा. बट तीसरे वाले केस में आपका लीनियर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्लॉकवाइज है, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी ए माइनस ऑफ अल्फा आर आएगी. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फिर डिफरेंट डिफरेंट आता है हर एक जगह पे. समझ आई सभी को? हाँ सर. तो ठीक है, अभी आगे आज का एक थ्योरी पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन. पहले मैं आपको दो सिचुएशन दिखा रहा हूं. सॉरी. मान लो कि एक में ऑब्जेक्ट को हमने रोल अप करा रखा है, ठीक है, ऊपर की तरफ रोल कर रहा है मान लो, प्योर रोलिंग है ये आपको दे रखा है, ठीक है, आप ये मान के चलना प्योर रोलिंग है. फर्स्ट वाले केस में रोलिंग अप है एंड सेकेंड वाले केस में हमने रोलिंग डाउन ले रखा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अदर देन यू नो द ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन. मतलब हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल पुश पुल नहीं लगा रखा है, ठीक है. दिस इज रोलिंग डाउन. आप ये बताओ कि इन दोनों केसेस में फ्रिक्शन किस तरफ होगा, बस इतना सोच के बताओ मुझे. फ्रिक्शन का डायरेक्शन वैल्यू नहीं, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. बताओ. सर पहले वाले में ऊपर और दूसरे वाले में नीचे. क्यों? सर पहले वाले में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन उल्टे तरफ लगेगा. ओके, स्लिप होने का टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, सही कह रहे हैं, ठीक है. फिर सेकंड वाले में वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप करने का टेंडेंसी तो ऊपर की तरफ ही रखता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए. ये एक मिनट, फिर से एक्सप्लेन करो. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर की तरफ स्लिप करने का टेंडेंसी कैसे रखता है ये थोड़ा फिर से समझाओ. मैंने सिर्फ रोटेशन को कंसीडर किया था, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को नहीं. अच्छा, ऐसे करते हैं? हाँ, जब मैंने रोलिंग नहीं सर, ये देखा. तुम एक चीज सोच के देखो, जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों ही केस में स्लिप नहीं कर रहा है, ये तो पक्का है ना? है ना? हाँ सर, प्योर रोलिंग है. प्योर रोलिंग है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दोनों ही केस में स्लिप नहीं कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर. नाउ द अदर थिंग इज कि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किस तरफ है. टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग देखो, इंक्लाइन प्लेन पे जब आप किसी भी चीज को रखते हो तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तो नीचे की तरफ ही रहेगा ना? नहीं? हाँ सर. हाँ सर, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तो नीचे की तरफ ही रहेगा क्योंकि उसका जाने का टेंडेंसी वो किधर रखता है. देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है. जैसे आप एक इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो जाओ तो आपकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, बट फ्रिक्शन किधर लगेगा आपके ऊपर? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ. तो सेम चीज तो यहाँ पे भी है, वेलोसिटी जीरो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का, बट
उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगी वो ऊपर की तरफ ही लगेगी क्योंकि जो स्लिपिंग का टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ ही दोनों केस में है। इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग अप और डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन एक्ट अपवर्ड्स। ठीक है, ये आपको सबसे सिंपल तरीके से समझाया मैंने। अब एक एनालिटिक मैथमेटिकल तरीका भी इसको समझाने का। पहले आपको ये सोचो, फर्स्ट केस में जिसमें हमने उसको ऊपर रोल करा रखा है, ठीक है, वो स्लो डाउन करेगा या स्पीड अप होगा? फर्स्ट केस में मैंने फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को ऊपर रोल करा के छोड़ दिया तो स्लो डाउन होगा या स्पीड अप होगा? स्लो डाउन होने का मतलब क्या है कि ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा, राइट? तो ऐसे दिखा रहे, देखो, सो ओमेगा की वैल्यू को हमें डिक्रीज करानी है, ये तो समझ आ रही है, ठीक है, डिक्रीज, क्योंकि v डिक्रीज करेगा तो ओमेगा भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ओमेगा डिक्रीज कराने के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? तो देखो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन में दिखा रहा हूं, ये एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट दिखाया है, ठीक है। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन किसी टॉर्क की वजह से आएगा ना? यस सर, राइट। अब टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है ये देखते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे पहले बैठते हैं, ठीक है, लेट अस फिक्स आवर फ्रेम ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो देखो mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। देखो तो सेंटर ऑफ मास पे बैठने पे mg और नॉर्मल रिएक्शन उनका कोई टॉर्क है क्या? नहीं है सर। सो हु इज रिस्पांसिबल फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन? फ्रिक्शन का टॉर्क। और फ्रिक्शन अगर नीचे लगाते हैं आप तो क्या क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करता है या नहीं? वो समझ आई? यस सर। इसका मतलब एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, क्या इंक्लाइन प्लेन पे बिना फ्रिक्शन का आप रोलिंग करवा सकते हैं? नहीं सर। नहीं क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो पक्का है नॉन जीरो रहेगा, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर नॉन जीरो है तो रोलिंग इंश्योर करने के लिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो नॉन जीरो चाहिए। और नॉन जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए नॉन जीरो टॉर्क चाहिए, और सेंटर ऑफ मास पे बैठने पे mg और नॉर्मल रिएक्शन का कोई टॉर्क नहीं है, सो फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड नेसेसरी टॉर्क टू द ऑब्जेक्ट, इसीलिए फ्रिक्शन हैज टू एक्ट अपवर्ड्स। समझ आई आपको? हां सर। अब रोलिंग डाउन वाले केस में सोचो, ओमेगा बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। अब बढ़ाने के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए वो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चाहिए? यस सर। हां सर। देखो फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में क्या एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हुआ? नो सर, नहीं हुआ। समझ आ रही है? रोलिंग अप या रोलिंग डाउन में जो v और ओमेगा है वो उल्टे हो गए, बट जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन है वो दोनों क्या है? सेम ही तरफ है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ है दोनों केस में, है या नहीं है? यस सर। हां है। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है दोनों केस में, और दोनों केस में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन भी तो दोनों केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? हां सर। समझ आई सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट रोल्स अप और डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन एक्ट्स अपवर्ड्स, फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ रिक्वायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन टू इंश्योर प्योर रोलिंग, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन did not change and hence friction's direction did not change, thus if
the inclined surface is smooth. Inclined surface is smooth. Friction being absent. Pure rolling cannot take place. And in such cases, in absence of torque, the angular velocity with respect to angular velocity cannot change, even though the linear velocity would change due to mg sin theta component. आई होप सबको समझ आ गई, इतना एनालिटिकल डिस्कशन समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब इंक्लाइन प्लेन पे इन जनरल मान लेते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह निकालना सीखते हैं, कितना एक्सेलरेशन लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, ये निकालना सीखते हैं। मान लेते हैं कि हमें कुछ डेटा गिवन है इस ऑब्जेक्ट के लिए, मास, रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM हमें नोन है, मतलब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन होगा तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नोन हो जाएगा, तो वो नोन है। ठीक है, सरफेस उसने दे रखा है, रफ है और इस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लेते म्यू है। सिंस प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं करना चाहिए, तो प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन का नेचर होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक ना, स्टैटिक है ना, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, तो स्टैटिक है इसलिए इसको म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिख सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो देयरफॉर एफएस की वैल्यू को हम म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अब एक एक करके देखिए क्या क्या फोर्सेस पे ऐड कर रही है, सेंटर ऑफ मास से अगर देखे तो एक तो इसका वेट ही ऐड कर रहा होगा, This is weight acting mg. इस mg के चाहे तो आप component break कर सकते हैं, एक parallel to surface inclined plane which is mg sin theta और एक perpendicular to inclined plane which is mg cos theta. फिर एक normal reaction भी आएगा, फिर एक friction भी आएगा, friction का direction मैंने already समझा दिया इसलिए ऊपर ले लेना, ये static friction है। लीनियर एक्सेलरेशन आपको पता है नीचे की तरफ ही रहेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको समझा दिया वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा इस डायग्राम में। ठीक है, तो पहला तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है, a इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, ये पहला मैंडेटरी कंडीशन है। दूसरा, fs एक अननोन क्वांटिटी है तो fs की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेट ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिख सकते हैं, बट ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखते वक्त आपको ए चाहिए होगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें आईसीआर के रिस्पेक्ट में पहले टॉर्क इक्वेशन लगा लेते हैं। ठीक है, दिस इज आईसीआर, आईसीआर तो अनएक्सेलरेटेड है ना इस केस में, है नहीं अभी? हाँ सर। अगर ओमेगा आएगा भी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आएगा भी, तो भी एंगुलर वेलोसिटी आने से जो ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर होता था उसका कोई सुडो टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, ये समझ आ रही है आपको? जैसे मान लेते हैं कि अभी ये समझ आ रही है ना, जैसे अगर इमेजिन करो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सरफेस पे रोल कर रहा है और रोल करते वक्त इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा, तो आपको पता है ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर होती है। हाँ सर, तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के भी अगर लिखूं तो कोई नुकसान नहीं है मेरा, क्योंकि सुडो फोर्स जो लगाएंगे वो नीचे की तरफ लगाएंगे ना, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर लगाएंगे। हाँ सर। और वो देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू पास कर जाएगा, तो उस केस में कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए आईसीआर जो है वो आपका सेफ पॉइंट है टॉर्क कैलकुलेशन के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करें, टॉर्क सीधे से आईसीआर के रिस्पेक्ट में लिखे तो फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क नहीं है, एमजी कॉस थीटा का भी टॉर्क नहीं है, तो बचा कौन हमारे पास, सिर्फ एमजी साइन थीटा बचा ना। यस सर।
torque with respect to ICR will be moment of inertia with respect to ICR into alpha. ठीक है, तो torque के लिए लिख रहे हैं mg sin theta into perpendicular distance which is r, moment of inertia के लिख रहे हैं icom plus mr square parallax theorem and this multiplied with alpha. देखो alpha तुमको एक line में मिल चुका है, मिल गया ना alpha, दिख रही है आपको? Yes sir. mg sin theta into r divided by icom plus mr square. तो हमें a भी मिल गया ना, a की वैल्यू कितनी थी, अल्फा थी. अगर मैंने अल्फा से इक्वेट किया तो ये क्वांटिटी हो जाएगा mg sin theta into r square divided by icom plus mr square. ठीक है, r square को अगर डिनोमिनेटर में लेके आओगे देखो एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा. एक्सेलरेशन आ रही है mg sin theta divided by icom divided by r square and plus m. यार ये ना देखो, हाँ सर देखो, ये एक्सपेक्टेड था या नहीं था. मैं कंट्रीब्यूटिंग मास के लॉजिक से अगर सोचूं तो डाउन द इंक्लाइन जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कितने का है, कितने का है, mg sin थीटा है ग्रेविटेशनल पुल, और ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का केस है ना. हाँ सर, तो उस केस में कंट्रीब्यूटिंग मास कितना लेना चाहिए था आपको, ट्रांसलेशन का m और रोटेशन का icm / r स्क्वायर लेना था ना. ये ठीक है, देखो ये मैच भी कर रहा है रिजल्ट. ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखनी चाहिए. ठीक है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही बन गया. मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कैसे याद रखना है. ठीक है, इस लॉजिक से आप याद रखिएगा, नेट पुलिंग फोर्स ग्रेविटेशन का जो है mg sin theta डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूटिंग मास कर लिया. ठीक है, इससे मुझे एक्सेलरेशन मिल चुकी है. अब एक बार अगर एक्सेलरेशन मिल गया, अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर अब mg sin theta डाउनवर्ड्स था और फ्रिक्शन अपवर्ड्स था, दैट शुड बी इक्वल टू ma. लिख सकते हैं ना ऐसा, लिख सकते हैं? ठीक है, तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, mg sin theta माइनस ऑफ m into a. सो ये हो जाएगा m into mg sin theta डिवाइडेड बाय icom डिवाइडेड बाय r square प्लस m आ जाएगा. अब यहां से ये टर्म को अगर फिर से सिंपलीफाई करें तो mg sin theta कॉमन हो रही है. अब m तो कट जाएगा, यहां पे बचेगा आपके पास icom डिवाइडेड बाय r square and divided by this will be icom by r square plus m आ जाएगा. इस icom by r square को वापस से denominator में लेके चले जाते हैं तो याद आ रहा है mg sin theta divided by m r square by icom and plus 1 आ जाएगा. That's it. ये आपका static friction हो गया. ये भी एक standard result है, इसको याद रखते हैं. जैसे acceleration एक standard result है, इसको याद रखते हैं, वैसे ही static friction की value को भी याद रखते हैं. इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस इसको रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है. अगर याद नहीं रहता है तो आपको बस सॉल्व करके निकालना होगा, और कुछ नहीं है. मतलब जैसे इंक्लाइन प्लेन के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं ना, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा आपके इसको रिजल्ट को याद रखिए. अब ये याद रख लिया आपने, तो किसी ने ये पूछा आपसे कि मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना चाहिए सच कि हम प्योर रोलिंग को इंश्योर करवा सकते हैं. तो मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड के लिए क्या करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग से कंपेयर करते हैं ना, करते नहीं करते? हां सर, फॉर मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड टू इंश्योर प्योर रोलिंग, इंश्योर प्योर रोलिंग, fs की वैल्यू को हम लोग लेस देन और इक्वल टू f लिमिटिंग लिखेंगे. एंड देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन आपका आ चुका है mg sin theta डिवाइडेड बाय mr square बाय icom plus 1. This should be less than or equal to mu times of normal reaction. And normal reaction तो आपको पता है mg cos theta. तो यहाँ पे mg और mg cancel out हो गया. And mu का value आ गया. Mu should be greater than or equal to tan theta divided by mr square by icm and plus 1 हो जाएगा. That's it. अब जैसे बस आपको शेप दे दे, बोल दे कि कौन सा स्फीयर है, कौन सा सिलेंडर है, तो आप आराम से यहाँ से मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं, आईसीएम तो पता. अब एक चीज चेक करो यहाँ पे, आप जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो मास डिपेंडेंट है या मास इंडिपेंडेंट है, ध्यान से देख के बताना. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मास डिपेंडेंट या मास इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट. क्या सबको नहीं समझ आ रहा है क्या,
क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है क्या? बताओ सर, इंडिपेंडेंट आवाज आ रही है। देखो आईसीएम में तो ऑलरेडी एम है ना, है या नहीं है? आईसीएम में एम है या नहीं? हां सर। तो एम तो कॉमन आउट होके कट जाएगा ना, तो ये एक्सेलरेशन जो आ रही है, ये जो एक्सेलरेशन आपने निकाल रखी है, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि एक्सेलरेशन ऑफ सीएम जो निकाली आपने इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट शेप डिपेंडेंट है या नहीं है? आई तो है। एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंट ऑफ मास बट शेप डिपेंडेंट है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको सबका पता है, सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का पता है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम आएगा या नहीं? आएगा नहीं आएगा? Yes, तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? लेसर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? अब इस पे बेस करके क्या चीज ध्यान रख सकते हैं? ठीक है बेटा, अब इधर देखिए, अब ये सोच के देखो, अगर आपका एक्सेलरेशन कम होगा तो अगर मान लो कि हमने डिफरेंट स्क्रीन बंद हो गया, स्क्रीन चला गया, एक मिनट ऑन करो, अभी आ रही है, देखो एक बार। यस सर। आ रही है? हमने ये अभी देख लिया कि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का उतना ही कम होगा। तो अगर मान लो किसी ने हमसे ये पूछा कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लाइन प्लेन पे रोल करने के लिए छोड़ दिया, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा अगर ये पूछा उसने? तो हम क्या ये इक्वेशंस लगा सकते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? तो अगर मान लो रेस्ट से रिलीज किया हमने, इसको रेस्ट से रिलीज किया है, तो यू जीरो हो जाएगा ऑन रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑन रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इस केस में अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो सब तो एक ही डिस्टेंस कवर करना है, जैसे ऊपर से नीचे तक पहुंचना है, तो एस जो है वो सबके लिए कॉमन है। तो ये वैल्यू को आप जब लिखोगे तो हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर लिखोगे, और ये कॉमन होगा सबके लिए, है ना? Common for all shapes? Yes, sir. Yes, sir. To come down the incline. अब इससे क्या पता चल रहा है कि time सबसे कम किसको लगेगा? जिसका acceleration सबसे ज़्यादा होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब greater ICOM implies lesser greater ICOM implies greater dilution, greater time to fall. समझ आ रही है? Yes sir. हाँ sir. तो इसमें आप जितने भी equations of uniform acceleration है वो सारे use कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे s equal to ut plus half a t square मैंने use करके दिखाया, वैसे आप v square equal to u square plus 2s भी use कर सकते थे, जैसे मान लो अगर वो compare ही करना है, ठीक है? जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को हमने रोल कराया और मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ नीचे पहुंचने पे उसका स्पीड कितना आएगा, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसको मान लो हमने यहां तक पहुंचा दिया, इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो दे रखा है, और जब ये यहां पे पहुंच चुका होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको निकालनी है, ठीक है? ऑब्वियसली ओमेगा भी होगा, प्योर रोलिंग मैंने आपको दे रखा है। मान लो ये हाइट आपका h भी गिवन है, ये एंगल थीटा, ठीक है? आपको v को कैलकुलेट करना है, v कितनी आएगी, प्योर रोलिंग गिवन है, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर आप इक्वेशंस यूज करोगे, देखो एक्सेलरेशन आपको पता है और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है सेंटर ऑफ मास की, ये भी आपको दिख रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे कितनी हुई है, h बाई साइन थीटा हुई है ना,
ठीक है? यस सर। तो अगर मैं ऐसा यूज करूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना था, पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूटिंग मास mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m plus icom by r square and that multiplied with h by sin theta. समझ आ रही है? Yes sir. हाँ sir. देखो यहाँ पे sin theta cancel out हो गया और यहाँ से आपको expression मिल गया. तो v square की value कितनी आ गई है? Twice of mg h divided by m plus icom divided by r square. दिख रही है आपको? हाँ sir. अब ये तो आपने डायनेमिक्स का इक्वेशन लिख के किया है. अब दूसरा अल्टरनेटिवली आपको याद है कि मैंने आपको बताया था जब फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्लिप नहीं करता है तब जो फ्रिक्शन होता है वो डिसिपेटिव नहीं होता है. और डिसिपेटिव नहीं है तो डायरेक्टली हम एनर्जी कंजर्वेशन भी तो यूज कर सकते थे. कर सकते थे या नहीं? तो डायरेक्टली ये भी कर सकते थे. और अल्टरनेटिवली अगर सोचें कि हम ये कर सकते थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो लॉस होगी ये काइनेटिक एनर्जी की गेन होगी. तो डायरेक्टली ऐसे करें तो ये हो जाता mgh and that is equal to half of moment of inertia about icr into omega square. याद है आपको translation plus rotation को हम directly pure rotation लिख सकते हैं ना? हाँ sir, icr के about. icr के about. तो ये वाली quantity हो गई half of moment of inertia about com plus mr square and omega square को लिख लिया हमने v square by r square. लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ sir. देखो तो आ गया है क्या? v की value root under 2 times of mgh divided by icom by r square plus m. देखो तो आ रहा है क्या ये? दिख रही है आपको? दिख रही है सभी को? हाँ सर. ठीक है. अगर अगर कोई ये पूछे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे रोल करके आया तो मान लो डिफरेंट डिफरेंट शेप को हमने रोल करा के छोड़ा है, मैंने पूछा कि किसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो सबका जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी सभी गेन करेंगे. हां सर. हां सर. तो उस केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ शेप सब कोई इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे. बट अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है, तब आप शेप पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? हां सर, करेगा सर. देखो यहां पे जो हमने अगर सोच के देखो, अगर यही चीज को हम जब ऐसे लिखे कि mgh की वैल्यू को हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का गेन जो हमने लिखा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का गेन में आपका दो पार्ट है, एक है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एक रोटेशनल पार्ट है. जब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल लिखते हैं तो हाफ ऑफ m into v स्क्वायर लिखते हैं, और जब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास into ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं. यही लिखते हैं ना हम? हां सर. तो अगर कोई ये पूछे हमसे कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल सिर्फ ये चाहिए मुझे, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सिंपली हाफ एमवी स्क्वायर है ना आपका, राइट? हां सर. यस सर. तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए. तो क्या करोगे आप? हाफ एमवी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM प्लस MR स्क्वायर एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर. यही लिखोगे, राइट? यस सर. और ये अगर आप नोटिस करोगे तो यार MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr square plus icm, इसका मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा. समझ आई आपको? हां सर. देयरफॉर इफ डिफरेंट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रोल डाउन सेम इंक्लाइंड प्लेन then all will have same kinetic energy is equal to mgh. ठीक है. और दूसरा translational kinetic energy will be more for object with lesser moment of inertia about center of mass. I hope you are getting this. मैं यही तो पढ़ा था भाई. हाँ सर. I hope सबको समझ आ रही है. हाँ सर. ठीक है.
अब इसमें ही एक स्पेशल केस है, मान लो कि अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, ठीक है, इफ फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए जितनी फ्रिक्शन चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब म्यू का वैल्यू डेफिनेटली लेसर देन टैन थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बाय आईसीएम प्लस वन होगा, समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है। अब ये अगर सिचुएशन है, इसका मतलब फ्रिक्शन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, काइनेटिक होगा ना? हाँ सर, हाँ सर। और काइनेटिक फ्रिक्शन इसका मतलब क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ एमजी कॉस थीटा, राइट? अब एक चीज, अब अगर मैं बोलूं कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, mg sin थीटा माइनस ऑफ द फ्रिक्शन जो कि काइनेटिक नेचर का है डिवाइडेड बाय मास, तो यार ये g sin थीटा माइनस μ cos थीटा, अरे ये नहीं सर, क्या ये शेप डिपेंडेंट है? नहीं सर, अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है। इसका मतलब इस बार अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट को भी रिलीज करूं तो सभी नीचे क्या करेंगे, एक साथ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, वो शेप पे डिपेंडेंट तब होता है जब आपका प्योर रोलिंग हो रहा हो, बट अगर स्लाइड करके रोल कर रहा है तो फिर उस केस में आपका एक्सेलरेशन जो है वो सबके लिए कॉमन होगा, क्लियर है? ठीक है, बट इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन अगर निकालोगे आप, एंगुलर टेक द बॉडी अबाउट दिस एक्सेस एंड से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू वी आर गेटिंग इज आई एस, देन वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम वी देवाद्रे आई जेड इज इक्वल्स टू आई एच प्लस आई वाई, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, and we can write this expression by which we can relate the moment. देखो यही प्रॉब्लम है, आपको समझ आया वो क्या कर रहा है, आपको समझ आया क्या कर रहा है वो? नहीं, वो पीछे से क्या कर रहा है, वो वीडियो चला रहा है आशीष थोड़ा सर का, वो वीडियो फिजिक्स गैलेक्सी का जो चैनल है, हाँ सर, उसमें वो चैनल में वीडियो देख रहा है, टॉर्क कैलकुलेशन का वो देख रहा है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सोचो आप उधर में क्या कर रहे हैं। आपको पता है मेरा आज क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं है, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है, बट मुझे लगता है कि अगर एक दिन मिस होगा ना तो आपका दो घंटा का लेक्चर मिस हो जाएगा और इससे आपका सिलेबस जो है वो काफी पीछे चला जाना है, दो घंटा मतलब काफी बड़ा प्रोग्रेस होता है। मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ, आपको भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए, सबको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सभी ऐसे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं और इसी वजह से टीचर डिसअपॉइंटेड होता है। आप सोचो इतना मेहनत करके अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, कि आप कम से कम पेशेंटली लिसन करें, बस सुने बातों को, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मेरी। चलो ठीक है, एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सपोजली जैसे इसमें तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका सबके लिए सेम आएगा, बट एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या वो सबके लिए सेम आएगा? बताओ। नहीं सर। क्यों? क्योंकि टॉर्क तो आईसीएम पे डिपेंड करेगा। हाँ, टॉर्क जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, टॉर्क तो नहीं, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो ये सीओएम है, एमजी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये भी ठीक है, बट इस बार फ्रिक्शन जो एक्ट कर रही है वो पैरेलल टू सरफेस, और ये फ्रिक्शन का नेचर आपका काइनेटिक है, व्हिच इज म्यू टाइम्स ऑफ एमजी कॉस थीटा। अब इसकी वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रही है वो तो डेफिनेट है, आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इस बार आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बैठ के मत करना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इस बार एक्सेलरेटेड है ना, है ना? एक्सेलरेटेड। टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू सीएम विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सीओएम इनटू अल्फा, तो ये हो जाएगा म्यू एमजी इनटू कॉस थीटा इनटू आर विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा म्यू एमजी कॉस थीटा into r and divided by moment of inertia about center of mass. So, इससे क्या conclusion draw करेंगे हम?
greater ICM, greater moment of inertia about center of mass implies lesser angular acceleration. समझ आई? हाँ सर. ठीक है. सर. बोलो बेटा. सर ये जो स्लाइड करते 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 रोल करना, इसे तो हम किसी भी मोशन के अंडर में नहीं कैटेगराइज कर सकते. नहीं बस सिंपली ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन बोलेंगे. अच्छा वो भी बोल सकते हैं. हाँ सिंपली ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. ओके सर. योर रोलिंग इज या यू नो रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, ऐसे टर्म्स भी यूज करते हैं. जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर सामने की तरफ स्लिप कर रहा है तो आप कहते हैं उसको फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है. अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीछे की तरफ स्लिप करता है तो उसको बैकवर्ड स्लिपिंग कहते हैं. समझ आ रही? हाँ सर. ठीक है तो वैसे नाम नाम देने का तो वैसे दे ही सकते हैं. चलो ठीक है अभी एक छोटा सा एप्लीकेशन करते हैं देखते हैं. यहाँ पे मान लो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको रेस्ट से रिलीज करेंगे. ठीक है इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, इसकी मास रेडियस दी हुई है और ये कह रखा है उन्होंने कि ये सॉलिड स्फीयर है. दिस इज अ सॉलिड स्फीयर और उन्होंने ये कह रखा है कि द लेफ्ट इंक्लाइंड सरफेस is sufficiently rough to ensure pure rolling. Find the maximum height that the object rises on the smooth right inclined surface. कितनी आएगी आपको बतानी है. आपको ये दे रखा था उन्होंने कि लेफ्ट हाफ में जब वो स्टार्ट कर रहा था तो कितना ऊपर था ये उसने दे रखा है. ठीक है आप ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो नेग्लिजिबल मान के चलिए. ठीक है तो ये हाइट दे रखा है तो उसको सेंटर से ही सोच के चलिए. ये हाइट दे रखा है बताओ क्या होगा आंसर. सर वो हॉरिजॉन्टल पार्ट में क्या फ्रिक्शन है वो मैटर करेगा क्या? मैटर करेगा नहीं सर क्योंकि ऑलरेडी तो प्योर रोलिंग करता हुआ वहां पे एंटर करेगा ना वो. हां सर इसलिए तो वो एडजस्ट कर लेगा. H होगा? नहीं बिल्कुल नहीं. देखो चेक करो जब ये नीचे पहुंचेगा तब की इसकी लीनियर वेलोसिटी और तब की इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये v equal to omega तो होल्ड करेगा क्योंकि प्योर रोलिंग है ना.
और इसके लिए आप क्या करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लॉस जो ही है इसको आपने काइनेटिक एनर्जी का गेन से इक्वेट कर दिया। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई अबाउट सी ओ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते थे हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई सी आर एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे ना, राइट। ओके, अब ये बताओ मुझे, उसने ये कह रखा है कि राइट हाफ का जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो क्या फ्रिक्शन है? नहीं सर। नहीं है सर। और फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या ओमेगा चेंज करेगा? नहीं सर। इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं है तो क्या उतना ऊपर उठ पाएगा वो? नहीं सर, सिर्फ जो ट्रांसलेशन के लिए हुआ उतना उठ पाएगा। Exactly. तो इस बार सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और उसी की वजह से क्या होगा वो ऊपर उठ पाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई है बट एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखिएगा, दिस विल बी इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू, वो वही वाला रहेगा, ये वाले वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल होंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आइडेंटिकल होने, समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया था, ठीक है, कि आपका इंक्लाइन सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो अल्फा नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसके बाद फिर आपको क्या करना था, इसके बाद आपको करना था व्हेन गेटिंग अप स्मूथ सरफेस, गेटिंग अप स्मूथ सरफेस, तो ये वाली हाइट को मैं एच डैश मान लेता हूँ, एच डैश। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होगा बट कौन से पार्ट का, सिर्फ ट्रांसलेशनल का ना, है ना? हाँ सर। हाँ सर। एंड एमजी एच डैश कर लेंगे, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आएगी, v स्क्वायर बाय 2g तो आएगी ना, आएगी? यस सर। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे, और अगर आप नोटिस करोगे तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज हाफ ऑफ आई अबाउट आई सी आर एंड ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखो आपको v स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो v स्क्वायर का वैल्यू को यहां से पिकअप करके डाल दें तो ये आ जाएगी 2g सॉरी 2 टाइम्स ऑफ mgh into r स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट icr एंड into 1 बाय 2g एंड 2g और ये 2g कैंसिल आउट हो गया और ये क्वांटिटी आ रही है h into mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर प्लस icr। That's it. जो लोग बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होते हैं वो रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हैं कि अगर इधर से रफ सरफेस पे छोड़ा है और उधर से स्मूथ सरफेस पे चढ़ रहा है तो कितना हाइट चढ़ेगा, ये रिजल्ट की तरह याद कर लिया। मैं सबको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ जो कुछ समझते नहीं है, सिर्फ उसे फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए ऐसा एक रिजल्ट बना दिया। तो अब ये वाली क्वान्टिटी कितनी दिख रही है, एच इंटू ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर एंड प्लस 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, और इस केस में 2 बाई 5 मतलब ये 5 by 7 times of H आ जाएगा। समझ आई सभी को? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये डिस्क होता तो क्या होता रिजल्ट? 2/3 of H आता? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब different different shape के लिए different different height rise करता। सबको समझ आ गई है ना? Yes हाँ, sir। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उस ओमेगा का वैल्यू चाहिए, इसलिए ना? यस एग्जैक्टली, हां, क्योंकि हमें ओमेगा का वैल्यू नहीं पता ना कितना है। हां सर, ठीक है सर। ठीक है, अभिलाष आपने एच एच डैश की वैल्यू एच बोली थी ना, या नीलेंदु आपने? हां सर, मैंने बोला था एच। क्यों बोला था, कि आपका जस्टिफिकेशन क्या था उसमें? सर मैं वो ओमेगा को भी जीरो मान लिया था, इसलिए सर वो पूरा का पूरा चेंज ही कंसीडर कर लिया था। तो आपने सोचा नहीं कि स्मूथ सरफेस होने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ नहीं सर, वो जीरो हो गया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ क्वेश्चंस आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस करके दिखाते हैं. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है. आपको थ्योरी तो याद ही होगा एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व कराते हैं, याद है आपको? जब नेट टॉर्क जीरो होता है. इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन एल की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है ना, बस यही सिंपल सा लॉजिक है. जिस पॉइंट के अबाउट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच एवर पॉइंट, दोनों ही तो सेम पॉइंट के अबाउट होना चाहिए. एग्जैक्टली, मतलब ये वाला जो टॉर्क आप ले रहे हो और ये जो एल ले रहे हो आप, ये दोनों ही अबाउट सेम पॉइंट होना चाहिए. अबाउट सेम पॉइंट, बस सिंपल सा लॉजिक है. सेम पॉइंट या सेम एक्सिस, वही की बात. अब करना स्टार्ट करते हैं. जैसे ऐसा एक सिचुएशन दिया है, मान लो कंसीडर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर ड्यू टू इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्सेस Earth shrinks to half of its present radius. Considering that presently you have physics classes for 2 hours every day. What would be the class duration on the shrink earth? ये कितना होगा, ये आपको निकालना चाहिए. अब एक चीज क्वेश्चन में थोड़ा सा एनालाइज करो, आप क्या हो रहा है. आपको ये तो पता है ना, अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट घूमता है, ये आपको पता है या नहीं पता है? हाँ सर, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है. ठीक है, तो अर्थ खुद की एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, क्या उसी की वजह से दिन रात होता है क्या? हाँ सर, हाँ सर, दिन और रात जो होता है वो तो उसी की वजह से होता है. तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या आपको नोन है? नोन है या नहीं है? हाँ सर, नोन. हाँ सर, 2π/T, where t is basically कितना? 24 hours. 24 hours. है ना? Right? और इसकी रेडियस जो है वो भी आपको पता है, 6400 किलोमीटर. ठीक है, इस रेडियस है 6400 किलोमीटर. अभी तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम भी तो है ना, है या नहीं है? ऐसा, हाँ. अगर मैं सोचूं कि इसके खुद के एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? I into ओमेगा, जिसमें इसको सॉलिड स्फीयर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तो 2π/mr² एंड इनटू ओमेगा करेंगे, राइट? हां, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी है? दिस इज 2π/mr² इनटू ओमेगा कर लेंगे. ठीक है. अब ये सोच के देखो, उसने ये कह रखा है, सडनली क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये अर्थ जो है वो श्रिंक कर जाता है, मतलब इसके मासेस जो है वो अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएंगे ऐसे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंट्रल फोर्स होता है ना, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, राइट? यस सर, हां सर. तो ये सारे फोर्सेस अगर आप नोटिस करोगे तो ये सेंटर ऑफ जो अर्थ है उसके थ्रू ही तो पास करेंगे ना. हां सर, हां सर, राइट. तो क्या ये टॉर्क क्रिएट कर सकता है? नहीं सर, नहीं. और अगर टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता है, तो इस केस में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा? तो थोड़ी देर के बाद हम दिखा रहे हैं, आफ्टर श्रिंकिंग दिखा रहे हैं. ठीक है, दिस इज आफ्टर श्रिंकिंग. तो ये कुछ ऐसा दिखना है आपको, ये श्रिंक कर गया मान लेते हैं, इसका मतलब मास चेंज हुआ या नहीं हुआ? डिड द मास चेंज? नो सर, मास सिर्फ अंदर आ गया, मास हैज कम क्लोजर, राइट? है ना, मास क्या हो गया, एक्सिस के क्लोजर आ चुके हैं, यही हुआ है ना? हां सर, हां सर,
और मास अगर एक्सिस के क्लोजर आ जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा two by five m into r square by four and into two pi by t dash. तो अगर आप notice करोगे तो t dash की value आ गई आपके पास. T dash का value is t by four. और t तो आपको पता है 24 घंटा है. तो 24 घंटा divide by four करेंगे तो कितना आएगा? 6 hours. इसका मतलब कि एक पूरा दिन का duration अब कितना है? 6 घंटे का है ना? है नहीं है? आपकी सोच के देखो. 24 घंटे का जब day duration था तो उसमें हमारा physics class कितना हो रहा था? 2 घंटे का. तो अब 6 घंटे का अगर डे ड्यूरेशन है तो इसमें फिजिक्स क्लास कितने देर होना चाहिए? 2/24 इसका मतलब कितना? सिंपली 0.5 आवर्स. ये आ रहे ना? हाँ सर. हाँ सर. अब सिर्फ आपको आधे घंटे फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा. समझ आ गई सबको क्वेश्चन? यस सर. यस सर. ठीक है. इस क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन के थ्रू देखो आप एक चीज सीख रहे हो कि जब भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई भी मासेस पास आते हैं या दूर जाते हैं तो मासेस अगर पास आएंगे तो उससे क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा. समझ आ रही है आपको? इसका उल्टा भी तो कह सकते थे ना. अगर मासेस दूर जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा ना? हाँ सर. ठीक है, तो सेम लॉजिक ध्यान रखिएगा. ठीक है. यस. इसको जस्ट मैं नोट करके मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट है. ठीक है. इफ ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस masses are brought closer or away from the axis of rotation, then moment of inertia changes and hence omega will change. Such that I into omega remains constant. समझ आई सभी को? Yes, sir. ठीक है. देखते हैं next question करते हैं. डायग्राम देख रहे हैं आपको? क्लियर है डायग्राम? समझ आ रही है क्या? डायग्राम क्लियर है? हाँ सर. एक फ्लैट सरफेस है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है टेबल की तरह. उसमें एक होल क्रिएट कर रखा है. होल के थ्रू एक स्ट्रिंग पास करा रखा है और स्ट्रिंग का एक एंड एक बॉल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स पुलिंग फोर्स बेड के टेबल के नीचे से लगा रहा है. ये समझ आ रही है आपको? सर आ रही है. ठीक है. अब क्वेश्चन में ये दे रखा है द बॉल ऑफ मास एम
mass m is given a velocity v naught perpendicular to length l of string above table, above smooth table, above smooth table. The external force, the external agent does not let the length of string change initially. Now he gradually and slowly starts pulling string gradually and slowly starts pulling string to reduce the length of string to L by 2 above the table. Find work done by him निकालनी है. क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर है? अरे एक बार समझा देंगे. ये देखो सर. हाँ सर. नहीं वो सर क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा. कर रहा हूँ बेटा. देखो आप सोचो कि इसको टॉप व्यू में देख रहे हो आप, ठीक है? ये मैं टॉप व्यू ऑफ टेबल का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ऊपर से देखने पे आपको क्या दिख रहा है, मैं वो दिखा रहा हूँ. ये होल है, इस होल के थ्रू आपका स्ट्रिंग पास कर रहा था ऐसा, और यहाँ पे एक बॉब कनेक्टेड था इससे, मतलब एक बॉल था, ठीक है? और इसको हमने वेलोसिटी वी नॉट परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, और ये लेंथ एल है. और ये लेंथ अगर मैं चेंज ना होने दूँ तो इजंट इट ऑब्वियस कि एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर जाएगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर जाता है, ये उसने ऑलरेडी कह रखा है आपको, ठीक है? दे हैव गिवन यू, मतलब सर्कुलर पाथ बोला नहीं है, ये आपको ऑब्वियसली इंटरप्रेट करना था कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, दिस वाज टू बी इंटरप्रेटेड, ठीक है? अब अगर आप पुल नहीं करते तो फिर तो ये वी नॉट से ही चलता रहता, बट उसके बाद उसने कह रखा है कि ग्रेजुअली वो नीचे से क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है. अगर ग्रेजुअली पुल करेगा तो लेंथ छोटा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, तो उस केस में क्या करेगा, इसका पाथ जो है वो थोड़ा स्पाइरल करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, ये स्पाइरल हुआ कुछ ऐसा चलेगा, और तब तक चलना है जब तक इसकी रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन हाफ नहीं जाती है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि L by 2 डिस्टेंस तक आपको जाना है करता हुआ. मान लेते हैं यहां पे भी L by 2 डिस्टेंस हो चुका है, एक बार आपका L by 2 डिस्टेंस आ चुका है, उसके बाद फिर अब आपको नहीं पुल करना है, उसके बाद तो रेडियस ऑफ रोटेशन फिक्स ही रखना है. आपको समझ आ रही है? हाँ सर. आर यू गेटिंग इट? यस सर. अब ये सोच के देखो, जो पुलिंग फोर्स होगा, ये जो पुलिंग फोर्स है, क्या वही टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है? है या नहीं है? जो पुलिंग फोर्स है वही तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है. तो जो टेंशन हम दिखाएंगे, सोचो किसी को आप किसी भी वक्त इस पे टेंशन दिखाओ किस तरफ एक्ट कर रहा है. ये देखो इस तरफ एक्ट कर रहा है, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तब उस वक्त का टेंशन जो एक्ट करेगा वो इसकी तरफ, सेंटर की तरफ, फिर से क्योंकि स्ट्रिंग तो उधर से ही पास कर रहा होगा, तो कुछ एक टेंशन चेंज हो गया वो टी डैश, तो टेंशन तो ग्रेजुअली आपका चेंज होता जाएगा, बट टेंशन तो हमेशा सेंटर से पास करेगा, नहीं करेगा? करेगा. समझ आ रही है? तो टेंशन ऑलवेज पासिंग थ्रू दी सेंटर, टेंशन ऑलवेज पासिंग थ्रू होल, passing through hole, with respect to hole, क्या कोई टॉर्क आएगा? नहीं आएगा सर. नो सर. और टॉर्क अगर नहीं है तो क्या कंजर्व रहती है? एल कांस्टेंट होगी. हां सर. किसके रिस्पेक्ट में? होल के रिस्पेक्ट में. होल के रिस्पेक्ट में. होल के रिस्पेक्ट में. तो इस केस में देखो, ये वेलोसिटी फाइनली जो हो चुकी है, उसको वी मान लिया हमने, तो अब कंडीशन क्या लिखना चाहिए हमें? Initially, m v l
सॉरी एम वी नॉट एल एंड बाद में एम इंटू वी इंटू एल बाई टू ये लिखना चाहिए yes, है ना yes, तो देखो वेलोसिटी आपको क्या मिल रहा है डबल हो गया ना और अगर वेलोसिटी डबल हो गया है तो वर्क एनर्जी फ्रेम लगा लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी हाफ ऑफ एम इंटू टू वी नॉट का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर विच बिकम्स थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर समझ आया yes, sir. किसी ने पूछा था लड़कियों में किसी ने पूछा था क्वेश्चन समझाने के लिए बेटा आपको समझ आ गई है क्या गायब हो गए शायद सर ये टेंशन चेंज क्यों होगा बार बार टेंशन तो चेंज होगा रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन छोटा हो रहा है तो फिर क्या सेम फोर्स चाहिए एफ की वैल्यू कितनी चाहिए एमवी स्क्वायर बाय आर चाहिए ना अच्छा ठीक है ठीक अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर ठीक है ठीक है सर चलो अभी आगे बढ़ते ये मान लो एक डिस्क है और इस डिस्क को इसके सेंटर के अबाउट एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हमने रखा हुआ है दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड ठीक है मतलब ये डिस्क जो है ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता ठीक है डिस्क का मास एम और रेडियस आर मान लो दे रखा है और इसके पेरिफेरी पे इमेजिन करो एक इंसान खड़ा है यहाँ पे पेरिफेरी पे इधर तो पर्सन स्टैंडिंग हो गया और इसकी मास हमने कैपलेन दे रखी है मास इज कैपलेन इंसान का मास कैपलेन दे रखा है नाउ द क्वेश्चन इज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन पेरिफेरी starts walking along the circumference with a velocity v naught Then find pehla recoil angular velocity of disk and dusra time taken by person to reach the starting point. Starting point for each of these two consider two cases pehla part A V naught is related to ground And dusra is V naught is relative to disk. देखो question पढ़ लो एक बार question clear है या नहीं देखो क्या question clear है? Yes. हाँ sir. ठीक है अब इसको solve करने का तरीका ढूंढते हैं मैं इसका top view draw कर रहा हूँ फिर से ठीक है टॉप व्यू में आपको एक परफेक्ट डिस्क दिखेगा यहाँ पे डिस्क
और इस डिस्क के पेरिफेरी पे यहाँ पे आपको एक इंसान दिखेगा, ठीक है। एक चीज लॉजिकली सोच के देखो, जब हम भी किसी भी सरफेस पे चलते हैं तो फ्रिक्शन के हेल्प से तो चलते हैं ना, है नहीं है? हाँ सर। हम सरफेस को पीछे पुश करते हैं तो सरफेस हमें आगे की तरफ पुश करता है, और हमारे लिए जो पुशिंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है वो कौन होता है? फ्रिक्शन ही तो होता है, राइट? यस, है ना। तो इस केस में सोच के देखो, जो फ्रिक्शन इंसान के ऊपर, जैसे सोच के देखो ये इंसान के ऊपर जो फ्रिक्शन सामने की तरफ लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन जो सामने की तरफ लगेगा वही फ्रिक्शन डिस्क पे पीछे लगेगा, नहीं लगेगा? यस सर, राइट। और ये देखो, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। हां सर। तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क मिलेगा मुझे सिस्टम पे, मैन प्लस डिस्क सिस्टम पे क्या कोई टॉर्क मिलेगा? नहीं सर। नहीं। और अगर टॉर्क नहीं मिल रहा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहनी चाहिए। पहले कितनी थी? जीरो थी ना पहले, राइट? अगर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, समझ आ रहा है? ठीक है, तो बस इसी चीज को अब करो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में उसने क्या कह रखा है, फर्स्ट पार्ट इज कि वी नॉट इज रिलेटिव टू डिस्क, ठीक है, पार्ट ए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रिलेटिव टू ग्राउंड है, वी नॉट इज रिलेटिव टू ग्राउंड। तो इसका मतलब है ग्राउंड से अगर देखा जाए तो उसको ये वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट दिखेगा, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान रखना। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ही है ना, मतलब एक्सिस में भी खड़े होकर देखे तो ये दिखेगा, होगा नहीं होगा? हां सर, ठीक है ना, एक्सिस इज फिक्स्ड, मतलब एक्सिस में भी खड़े होकर देखोगे तो आपको v नॉट ही दिखेगा जाता हुआ। तो इसकी वजह से अब आपका डिस्क क्या होगा, पीछे एंगुलर वेलोसिटी एक सर्टेन ओमेगा लेके रिकॉइल करेगा, नहीं करेगा? रीजन क्या है इसका? फ्रिक्शन जो लग रहा था, याद है आपको? देखो डिस्क पे फ्रिक्शन किधर लग रहा था, पीछे लग रहा था ना, फिर आपको यस, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए ना, राइट? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एंड देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू अब कैपिटल एम इनटू वी नॉट इनटू आर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड प्लस mr square by 2 into omega clockwise। देखो समझ आ रही है क्या? हाँ सर। तो देखो आपको omega मिल गया यहाँ से, so therefore omega का वैल्यू आ रहा है 2 times of capital m by small m into v naught divided by r। समझ आ गई आपको? क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अब उसने ये पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको वापस से वहां पे पहुंचने के लिए जहां से उसने स्टार्ट किया था। अब ये चीज लॉजिकली सोच के देखो, अगर डिस्क फिक्स होता तो काम आसान होता या नहीं होता हमारे लिए? अगर डिस्क फिक्स होता तो उस केस में सिंपली जो भी सर्कमफेरेंस के अराउंड वेलोसिटी होता 2 पाई आर से उसको डिवाइड कर देते, करते नहीं करते? अब ये सोचिए देखो, डिस्क को स्टेशनरी बनाने का तरीका क्या है? डिस्क पे आप बैठ जाओ, अगर डिस्क पे आप बैठोगे तो देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो पेरिफेरी जो है, जो पेरिफेरी है डिस्क का, वो किस वेलोसिटी से पीछे जा रहा है? ओमेगा से जा रहा है ना? यस यस सर। अब सारा पॉइंट को देखो, ये ओमेगा से पीछे जा रहा है ना? हां सर, यस सर। तो पेरिफेरी ऑफ डिस्क का हर एक पॉइंट जो है, हम कह सकते हैं कि इंसान को अप्रोच कर रहा है कितने से? ओमेगा से, कह सकते हैं? समझ आ रही है आपको? तो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था वो पॉइंट भी तो उसकी तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? ओमेगा से, है ना? ना सर। तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो हो गया वो कितना हो गया? वी नॉट प्लस ओमेगा हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सो वी रिलेटिव अगर देखोगे आप, वी रिलेटिव वो है आपका वी नॉट प्लस ओमेगा आर, दिस इज ये है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, वेलोसिटी तो नहीं बोलना चाहिए, रिलेटिव स्पीड विथ विच द स्टार्टिंग पॉइंट अप्रोचेस द पर्सन, ठीक है। तो अब तो सिंपल है, जो टाइम पीरियड होगा वो कितना जाएगा? 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव विच इज वी नॉट प्लस ओमेगा कर लेंगे। समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, ये हो गया पहला वाला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने कह रखा है कि जो वी नॉट है वो रिलेटिव टू डिस्क ही दे रखा है, ठीक है, रिलेटिव टू डिस्क है, इस बार रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं है ये, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ पे इंसान, और उसने ये कह रखा है कि ये मान के चलो वी नॉट इज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क इस बार। अब ये चीज तो आपको ऑलरेडी समझाया कि
कि डिस्क आपका रिकॉइल कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो सर्कमफेरेंस का जो पॉइंट है, सर्कमफेरेंस का ये जो पॉइंट था वाली पॉइंट, ये कितनी स्पीड से जा रही थी? ओमेगा से बैकवर्ड जा रही थी, है ना? हां सर. जिस प्लेटफॉर्म पे इंसान खड़ा है वो प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है ओमेगा से, और वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट से फॉरवर्ड जा रहा है. तो इसका मतलब क्या, इसी वेलोसिटी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू वी नॉट माइनस ओमेगा आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? यस सर. है ना? हां सर. समझ आई सभी को? सर ये जगह मुझे समझ नहीं आई. ये जगह आपको समझ नहीं आई? आप बताओ मुझे, एक बस से पीछे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v1 से, और आप बस के ऊपर वेलोसिटी v2 से आगे जा रहे हो, तो आपका वेलोसिटी आगे की तरफ कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? और बस का वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है या नहीं है? हाँ. वही तो किया देखो. समझ आया? हाँ. अब आगे का पार्ट अभी वापस से सेम है. सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें. फाइनल एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और इनिशियली तो जीरो था. सो दिस विल बी m into v naught minus omega r into r, this is anti-clockwise, and plus m r square by 2 into omega clockwise, this has to be equal to 0. So yahan se aapko mil rahi hai m into v naught into r is equal to m r square plus m r square by 2 into omega, and therefore omega ka value is coming out to be 2m divided by 2 times of m plus small m and into v naught divided by r. ye aapko omega mil gaya, and baki second part ke liye jab time period nikaloge to 2 pi r to pi r by v relative karna tha, aur v relative to is baar khud hi v naught diya hua hai na. Yes. Diya na is baar v naught. तो इस बार तो कुछ भी नहीं करना था, सिंपली 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय क्या करना था आपको, v नॉट कर लेना था. समझ आई आपको? हां सर. हां सर. देख लो किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो. ये मान लो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से स्पिन कर रहा है, ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, इसकी मास मान लो कैपिटल एम और रेडियस आर दे रखी है, ठीक है? अब ये उसने दे रखा है टू आइडेंटिकल स्मॉल मासेस ऑफ एम ईच आर gently placed over diametric ends of ring. Find the new angular velocity kitne hai. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज फिक्स्ड, इक्वेशन में दिया है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते. अब देखो क्वेश्चन उसने ऐसे दे रखा है, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक मास एम लिया है जिसको हम यहाँ पे जेंटली इसके ऊपर ला के छोड़ेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ से चिपक जाएगा, और ठीक इस तरफ भी हमने क्या किया, एक और मास लिया है और इसको भी यहाँ ला के हम लोग इसके ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है? तो दोनों चिपक जाएंगे ना, उसने दे रखा है
अच्छा चिपकना ये नहीं बोला ना, चिपकना बोल देते हैं. Two identical masses are gently placed over diametric ends of ring. Masses stick कर रहा है ये मान लेना, ठीक है? मतलब relative velocity ring के साथ उनका zero होगा. हाँ, masses stick to ring. ठीक है, ये given है. हाँ, तो अब क्या होगा यहाँ पे? देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि जब भी masses जो है वो add हो या subtract हो या फिर पास आए या दूर जाए, तो फिर वो सिचुएशन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो आपको कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? हाँ सर. ठीक है, तो इस केस में देखो मासेस ऐड हो रही है, अगर मासेस ऐड होगा इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ना? बढ़ेगा सर. हाँ, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा, राइट? यस सर. तो बस यही कंसेप्ट को आप यूज करो, मास ऐड हुआ इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज किया, इसका मतलब ओमेगा आपका डिक्रीज करना चाहिए था सर. सो एल की वैल्यू फाइनली जो होना चाहिए और एल की वैल्यू इनिशियली जो होनी चाहिए वो दोनों सेम होनी चाहिए. फाइनल एल कितना होगा, ओमेगा नया मान लेते हैं, ओमेगा हो चुका है, ठीक है, नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, या ऐसे लिख लेते आई टू इंटू ओमेगा टू विल बी आई वन इंटू ओमेगा वन. आई वन तो आपका सिर्फ और सिर्फ किसका था, आपका रिंग का ही था, क्योंकि जो मासेस था उनके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं था ना, था क्या मासेस के पास? नहीं था सर. तो इस केस में आपको क्या लिखना है, सिंपली रिंग का ही लिखना है, तो mr स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट लिखेंगे. बट बाद में तो वो जो चिपक गया उसके पास भी वेलोसिटी आ गया, आया नहीं आया, तो उसका भी तो लेना पड़ेगा. तो mr स्क्वायर आपका रिंग के लिए और दो पॉइंट मासेस के लिए 2m into r स्क्वायर एंड into ओमेगा, यही तो लिखोगे. r स्क्वायर देखो सब में कॉमन है, कट जाएगा और ये ओमेगा की वैल्यू आ गई है m by m plus 2m and into omega naught. समझ आई क्या? हाँ सर. समझ आई है? हाँ सर. ठीक है. यहाँ पे मान लो ये दो डिस्क दे रखे हैं, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी मैंने अलग अलग दे रखी है, ये ओमेगा वन का है और ये मान लो ओमेगा टू का है, ठीक है, बट दोनों कोएक्सियल है, एक्सिस एक ही है दोनों का, ठीक है, बट दोनों की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है. ये दोनों डिस्क है, इस डिस्क ऊपर वाली डिस्क को मान लेते हैं डिस्क ए कह लेते हैं और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई वन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वन. एंड नीचे वाला जो डिस्क है इसको डिस्क बी कह लेते हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई टू. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये दोनों डिस्क को हम लोग जेंटली कॉन्टैक्ट में लाते हैं, मतलब बिल्कुल कोएक्सियल रखते हैं, कीपिंग द टू डिस्क कोएक्सियल, कोएक्सियल दे आर brought in contact. Their surface of contact being rough they attain a common angular velocity
angular velocity sometime later. Find Pehla, common angular velocity. इसको ओमेगा सी कह लेते हैं और दूसरा टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये कितने हुए ये भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गई है सभी को? हाँ सर। ठीक है, देखो जो दो सरफेसेस हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन ऐसे सर्कुलर लूप की तरह लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा? घूम रहे ना आप अपने हाथ के ऊपर ही सोच के देखो, अपना लोअर वाला हाथ के ऊपर रख के ऊपर वाले हाथ को घुमाओ तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? जिस तरफ आपका घूम रहा है ऊपर वाला हाथ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ सर, लग रहा है। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो कैसा लगेगा? बेसिकली सर्कुलर लूप्स की तरह लगेगा। ये समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ सर। और सिंस ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह है तो जो ऊपर वाले पे क्लॉकवाइज लगेगा वही नीचे वाले पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। yes, sir. तो इस केस में दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है, तो इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में क्या कोई नेट टॉर्क क्रिएट होगा? नहीं सर, सिस्टम क्रिएट नहीं होगा। और अगर कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए नेट टॉर्क क्रिएट नहीं हो रही तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी? दैट्स इट, बस ये कंसेप्ट को आपको यूज करना है। ठीक है, सो फ्रिक्शन विल क्रिएट अ टॉर्क टू इंक्रीज ओमेगा ऑफ द स्लोअर डिस्क एंड डिक्रीज ओमेगा ऑफ द क्विकर डिस्क, क्विकली रोटेटिंग डिस्क, rotating disk. But for combined mass system tau net agar nikalenge to aapko zero milega, and therefore aap sure ho ke keh sakte hain ki jitni initial angular momentum thi aur jitni final thi ye dono same honi chahiye। अगर आप नोटिस करोगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू, है या नहीं है? देखो एक बार चेक करो, दोनों का ओमेगा डायरेक्शन सेम है या नहीं है? है ना? ठीक है, इसलिए ऐड हो जा रहा है। अगर ऑपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, और बाद में तो दोनों एक ही कॉमन डायरेक्शन में घूमेगा, तो इस केस में क्या लिखेंगे आप? आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा कॉमन, ऐसे तो लिखोगे ना? समझ आ रही है? तो देखो आपको कॉमन एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है, ये कितनी आ रही है? आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू डिवाइडेड बाय आई वन प्लस आई टू, आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, देखो तो ये कोलिजन से बहुत सिमिलर है क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जैसे एक मास m1 v1 वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक मास m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों चिपक के एक साथ चल रहे हैं। अब क्या लिखते थे? m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus m2 into the common velocity? करते नहीं करते? है ना? बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको याद है कि perfectly inelastic collision में kinetic energy का loss half mu into v relative का square होता था? याद है? याद है? Yes sir। हाँ sir। उसी से अगर correlate करके करें, correlating with this, correlating, बाकी तो लंबा तरीका है आपके पास, आपको ओमेगा मिल चुका है तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल ही पाओगे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, सबट्रैक्ट करोगे तो मिल ही जाएगा आपको, बट मैं आपको कोरिलेट करके जल्दी निकालना सिखा रहा हूं। कोरिलेटिंग दिस विद परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा that will be half of I1 I2 divided by I1 plus I2 into omega relative ka square। ye samajh aa gayi aapko? yes sir। ha
Yes. So half I1 I2 divided by I1 plus I2 and that multiplied with omega 1 minus omega 2 and इसका square हो जाएगा. आपको समझ आ गई सभी को? इसी में जस्ट अगर ये ओमेगा वन और ओमेगा टू का डायरेक्शन को उल्टा कर दे तो उस केस में जो ओमेगा सी हमने निकाला है कॉमन एंगुलर वेलोसिटी उसमें बीच में एक माइनस आएगा ना न्यूमरेटर में बट काइनेटिक एनर्जी का लॉस में वो प्लस हो जाएगा ना. यस हां सर क्योंकि स्क्वायर है. ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना. जस्ट इसको मेंशन कर देते हैं यहां पे. इफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू वर इन ऑपोजिट डायरेक्शन then omega c would have been I1 omega 1 minus I2 omega 2 divided by I1 plus I2 and kinetic energy ka jab aap loss nikalte to ye aata half of I1 I2 divided by I1 plus I2 into omega 1 plus omega 2 and iska square. आई होप सबको समझ आ गई है. हाँ सर. ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये मान लो एक यूनिफॉर्म क्यूबिकल ब्लॉक है. यूनिफॉर्म क्यूबिकल ब्लॉक मास m और साइड लेंथ l मान लेते हैं. ठीक है और इसको हमने क्या किया है एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v नॉट देखे इस स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया है. दिस इज स्मूथ सरफेस और इसके रास्ते में हमने यहाँ पे क्या कर रखा है यहाँ पे एक नेल लगा रखा है. ये इमेजिन करो यहाँ पे एक नेल फिक्स्ड है. फिक्स्ड नेल है. ठीक है ये रास्ते में जब जाएगा तो नेल से टकराएगा तो फिर टर्न करना स्टार्ट कर जाएगा. नहीं यस सर. जैसे आप ही सोचो जब आप चलते चलते अचानक से कहीं से धक्का खाते हो तो सामने की तरफ गिरते हो नहीं गिरते हो? गिरते नहीं गिरते हो? अचानक से कोई चीज से नीचे हम टकरा जाए कोई भी ऑब्स्टेकल मिल जाए नीचे एक एक सीढ़ी मिल गया हमने ध्यान नहीं दिया तो उससे टकरा जाते हैं तो हम सामने की तरफ तो गिरते ही हैं. यहाँ पे भी होगा तो इसमें इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा इनिशियली ये आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है. ठीक है सो दे हैव आस्क्ड अस द ब्लॉक स्ट्राइक्स द फिक्स्ड नेल एंड the block strikes the fixed nail and and does not jump मतलब jump नहीं करेगा ये ध्यान रखना. does not jump मतलब stick कर दे रस्ते. find its angular velocity just after striking. Just after striking. कितने देखो जब ये जाके इससे टकराएगा सोचो मान लेते कि हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं ये देखो ये मान लेते हैं यहाँ पे आया और इसको स्ट्राइक करने वाला है. जैसे इसको स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा नहीं ये सोचे देखो लगेगा ना? लगेगा. तो यहां से देखो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे एक मिनट से ये दिखा रहे हैं ये n एक इंपल्सिव फोर्स मिलेगा. दिस विल बी इंपल्सिव. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो टॉर्क तो आ ही रहा है ना राइट? आ रहा है? हां सर. बट अगर विथ रिस्पेक्ट टू नेल देखें विथ रिस्पेक्ट टू नेल तो क्या कोई इंपल्सिव टॉर्क है? नहीं है सर. नहीं. आपको याद है मैंने ये ट्रांसलेशन में जब आपको मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस कराता था तो आपको एक चीज में समझाता था कि जब भी कोलिजन के ड्यूरेशन में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग भी रहा है
तो उसकी वजह से कभी भी हम मोमेंटम का चेंज कंसिडर नहीं करते थे, याद है आपको? क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट का ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इतने छोटे ड्यूरेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता था। तो वैसे ही अगर नेल के रेस्पेक्ट में देखें तो mg का तो टॉर्क आ ही रहा है, ये तो क्लियर है, आ रहा है नहीं आ रहा है? बट जो ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट है उस छोटे से ड्यूरेशन में, क्या उसका कोई सिग्निफिकेंट टॉर्क की वजह से क्या मोमेंटम चेंज आएगा, एंगुलर मोमेंटम? नहीं। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नॉन इम्पल्सिव फोर्स मानते हैं, वैसे ही उसकी वजह से जो टॉर्क भी जनरेट होगा उसको नॉन इम्पल्सिव टॉर्क लेते हैं। तो जो कोलिजन का ड्यूरेशन होता है उसमें वो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता है, हाँ, बट ग्रेजुअली उसके पास सफिशियंट टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली वो चेंज करेगा, बट इस वक्त कोलिजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद वो चेंज नहीं कर सकता। आपको समझ आ गया? समझ आया? तो अब तो आपको ये पता चल रहा है कि इसके अबाउट इसको घुमाना है हमें, दिस इज सपोज टू बी turned about this point, क्योंकि वो jump नहीं कर रहा है तो उसने already कह रखा है, तो ये pure rotation का case हो गया ना, ये nail जो है, क्या यही उसका axis of rotation हो गया? हो गया नहीं हो गया? हुआ ये नहीं हुआ? So with respect to nail, the torque of gravity is non-impulsive. Non-impulsive. Hence, L just before collision and L just after collision, ये दोनों same होना चाहिए। तो अब आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। पहले का केस क्या है? Object pure translation में है ना? पहले collision के पहले कैसा है? Pure translation में है या नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। और प्योर ट्रांसलेशन में हम क्या करते थे, याद है? एम वी आर परपेंडिकुलर। यस सर। याद है? अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो सेंटर ऑफ मास से जो नेल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ साइड लेंथ होगा। होगा नहीं होगा? होगा सर। हाँ। ये डिस्टेंस कितनी है? एल बाई टू। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? एम इंटू वी नॉट इंटू एल बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू जस्ट आफ्टर, एंड जस्ट आफ्टर में तो प्योर रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा बताओ मुझे, आपको याद है स्क्वीजिंग कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? हाँ सर। ये सिंस ये क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, और क्यूबिकल ब्लॉक को जब आप एक एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो उसको हम इस पर्टिकुलर प्लेन में ही अगर देखें तो स्क्वीज करके देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, एक प्लेट दिखेगा ना, राइट? और प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, m into l square plus l b square by 12, याद है आपको? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे this will be m into l square plus l square divided by 12, ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बट आपको तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन का वो l by root 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, m into l by root 2 is the square and into omega। अब यहाँ से m ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l स्क्वायर भी का l भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास v नॉट इनटू l, v नॉट तो कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, यहाँ पे 2l बाई 12 मतलब 6 और एक 2 काट दिया मतलब बाई 3, तो यहाँ पे l बाई 3 बच रहा है एंड प्लस यहाँ पे l बच रहा है और यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है 3 v नॉट बाई 4 l आ गई। देखिए आपको सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। हाँ सर, इसमें एक डाउट था। हाँ सर, अगर नेल का कोई हाइट होता थोड़ा सा तो फिर उस पॉइंट के वो टॉर्क लगाते हैं, हाइट से लगाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जहां से इंपैक्ट होता वहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। हाँ सर ठीक है। ये सेम अप्रोच आपका इसमें भी हो सकता है, जैसे इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है, सेम अप्रोच में कह रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो रोल करता हुआ एक सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, और इमेजिन करो यहाँ पे एक स्टेप है, दूसरा स्टेप हो गया, एंड दिस स्टेप हैज अ हाइट ऑफ h मान लेते हैं, ठीक है, ये रेडियस r का है मान लो,
एंड मान लो ये प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी वी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ये रोल करता हुआ जा रहा है, प्योर रोलिंग है। बट जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद फिर तो जो एंड पॉइंट है उसके अबाउट अगर मान लो कि आपको दे रखा है कि वो टर्न कर जा रहा है, तो इसको हटाएं, यहाँ पे लाके रखें। अब देखो, अब अगर इसके अबाउट ये टर्न करना स्टार्ट करता है इसके अबाउट, तो ये वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश मान लो हमसे पूछ लिया, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ सर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का वो कितना है, कितना है, r माइनस h। तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, m into v into r माइनस h, ये है ट्रांसलेशन का, n प्लस icm into ओमेगा, मतलब ये मान लेते हैं डिस्क है, मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज डिस्क, तो आप क्या लिखते हैं, m r स्क्वायर बाय 2 into ओमेगा, ये हो गया पहले का एंगुलर मोमेंटम। एंड बाद के लिए जब आप लिखोगे तो सिंपली प्योर रोटेशन के लिए लिख रहे हो, मतलब 3 बाय 2 mr स्क्वायर एंड into ओमेगा डैश। समझ आया? हां सर। यस सर। तो जो भी हाइट के दे रखा है उस हाइट के रिस्पेक्ट में आप लगाएंगे, दैट्स इट। ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर है और इसके पास एक वेलोसिटी वी नॉट एंड एंगुलर वेलोसिटी भी है, ये सॉलिड स्फीयर है और प्योर रोलिंग है, ये उसने दे रखा है, प्योर रोलिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिकल एक और स्फीयर यहाँ पे दे रखा है, ये मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर का मास m और रेडियस r है, और अब ये मान लेते हैं ये हॉलो स्फीयर है और इसकी मास m और रेडियस r भी, मतलब मासेस दोनों का सेम है, ऑब्वियसली मटेरियल डिफरेंट होगा तभी मास सेम हो सकता है, तो मटेरियल डिफरेंट मैंने वैसा दे रखा है। दिस इज एट रेस्ट, दिस इज एट रेस्ट। अब उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर टू सॉलिड स्फीयर आफ्टर कोलिजन, कितनी होगी ये बतानी है। अब इसमें आपको कुछ चीजें कंसेप्चुअली सोचनी चाहिए, जैसे यहां से सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दोनों आके टकराने वाले हैं, ये सरफेस है, इसके पास एक वेलोसिटी है सामने की तरफ, इट हैज अ वेलोसिटी सामने की तरफ भी है मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा तो एक इम्पल्सिव फोर्स इधर से जनरेट होगा, ये इस पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा, वही इम्पल्सिव फोर्स दूसरे पे भी लगेगा ऑब्वियसली, तो इस पे भी एक इम्पल्सिव फोर्स लगा एन का, ठीक है। आप ये एक ये जो इम्पल्सिव फोर्स हम दिखा रहे हैं इंडिविजुअली दोनों पे तो एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? हाँ सर, इंडिविजुअली दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स है, बट एक्सटर्नल फोर्स से लीनियर मोमेंटम चेंज होती है, तो लीनियर मोमेंटम दोनों का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये पक्का हो गया। बट अगर मैं किसी भी एक के सेंटर पे बैठ जाऊं, किसी भी एक के सेंटर पे बैठे तो नॉर्मल रिएक्शन तो उसी के थ्रू पास कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? और अगर नॉर्मल रिएक्शन उसके थ्रू ही पास कर रहा है तो क्या एंगुलर मोमेंटम हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चेंज कर सकते हैं? नहीं सर। इसका मतलब क्या ओमेगा चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो दोनों में से किसी का भी ओमेगा चेंज नहीं होगा, तो पहला वाले का जो ओमेगा था वो वही रह जाएगा और दूसरा वाला का ओमेगा था ही नहीं तो वो नहीं रहेगा। समझ आ रही है आपको, है ना? समझ। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन पासिंग थ्रू सेंटर एन पासिंग थ्रू रेस्पेक्टिव सेंटर पासिंग थ्रू रेस्पेक्टिव सी वन इट कैन नॉट क्रिएट एनी टॉर्क, इट कैन नॉट क्रिएट एनी टॉर्क
और अगर टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, इससे आपने एक ये कंक्लूजन ड्रॉ किया ओमेगा कांस्टेंट होगा या ओमेगा विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ओमेगा विल नॉट चेंज फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है. बट इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिकल मासेस में जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है आपको याद है क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज, एक्सचेंज हो जाता है ना, होता नहीं होता है, होता है. तो अगर वेलोसिटी एक्सचेंज करना है, अगर वेलोसिटी एक्सचेंज होना है सोचो, तो जो पीछे था उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, होगी नहीं होगी, और जो आगे था उसकी वेलोसिटी वी नॉट हो जाएगी, होगी. तो बस यही करना है आपको. अब जो आगे था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी लेके आगे बढ़ रहा है, वी नॉट. सर मतलब कोलिजन के बाद जो आ रहा था वो सिर्फ रोलिंग करता हुआ वही अब वही जगह पे रह जाएगा और सेकंड वाला चला जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन लेके. एग्जैक्टली, ट्रांसलेशन विदाउट एनी ओमेगा. यस, विदाउट एनी ओमेगा. बट ये तब का सिचुएशन है अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो अगर फ्रिक्शन रहेगा तो अब दोनों के लिए स्लिपिंग होगा ना, तो स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, दोनों का वैल्यू को चेंज करेगा. हाँ. ठीक है. बट अगर स्मूथ सर्फेस है तो ऐसा ही पड़ा रह जाएगा, समझ आ रही है. तो इसके लिए प्योर रोटेशन हो गया, इसके लिए मोशन प्योर रोटेशन दिख रहा है, और इसके लिए क्या है, प्योर ट्रांसलेशन दिख रहा है, समझ आ रही है. तो अब आपके पास जो रेशियोस ने पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के लिए हाफ ऑफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, यही तो करना है ना, राइट. हाँ सर. ये ट्रांसलेशन है, जबकि सॉलिड स्फीयर के लिए तो सिर्फ रोटेशन है, मतलब हाफ ऑफ 2 बाय 5 टाइम्स ऑफ mr square and into omega not square, समझ आया आपको. हाँ सर. और ये 5 by 2 आ रही है, क्लियर है. यस सर. ये मान लो एक यूनिफॉर्म डिस्क है, और इस यूनिफॉर्म डिस्क के ऊपर हमने क्या कर रखा है, ऐसा एक स्ट्रिंग ले रखा है जो थोड़ा लेंथ में लंबा है, स्लैक किया हुआ है, और इसको यहाँ पे दूसरे एंड पे, एक एंड तो हमारा डिस्क से बंधा हुआ है और दूसरा एंड फ्री है, एक बॉब से बंधा हुआ है, ठीक है. डिस्क के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, हिंज है, देख ही रहे आपको. ये डिस्क है, मान लो डिस्क का मास एम और रेडियस आर, एंड ये बॉल है, बॉल का मास मान लो एम ही ले लेते हैं या टू एम मान लेते हैं, और ये एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ एल, ठीक है. आपको ये पूछा गया है फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क जस्ट आफ्टर string becomes dot, जब वो just dot हो जाएगा उस वक्त का हमें omega निकालना है. देखो ये ball का free fall होगा ना initially. हाँ sir. होगा ना, क्योंकि string तो ढीला है, तो free fall होगा कब तक, जब तक वो l length पूरा नहीं गिर जाता. हाँ सर. है ना. तो इस केस में अगर मैं मोशन दिखाऊं तो जस्ट बिफोर टाइटनिंग का, अगर दिखाएं जस्ट बिफोर टाइटनिंग का, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पूरा का पूरा खुल चुका है, ये पूरा का पूरा खुल चुका होगा, एंड इसके पास जो वेलोसिटी आ चुका होगा वो रूट अंडर टू जी एच होगा, होगा ही नहीं होगा. हाँ सर. सो दिस वेलोसिटी विल बी रूट अंडर टू जी इंटू एल, दिस इज जस्ट बिफोर टाइटनिंग, जस्ट बिफोर टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग. अभी स्ट्रिंग खुला है बट टाइटन नहीं हुआ, ठीक है. बट जैसे ही अब ये टाइट होना शुरू होगा, जैसे ही टाइट होना शुरू होगा, तो स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉल को ऊपर खींचेगा, है ना. और जो डिस्क को खींचेगा वो नीचे खींचेगा, है ना, दिख रही है आपको. यस सर. बट क्या डिस्क मूव कर सकता है,
सिर्फ रोटेट कर सकता है तो डिस्क के ऊपर जब नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है क्या ये इंपल्सिव टेंशन है या नहीं ये बताओ मुझे इंपल्सिव होगा क्योंकि अचानक से वो बॉल का वेलोसिटी चेंज होगा अचानक से तो इस केस में डेफिनेटली ये टेंशन बड़ा होना चाहिए तो टेंशन बड़ा होगा तो इस केस में क्या यहाँ से हिंज से भी एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो भी इंपल्सिव होगा नहीं होगा है ना क्यों क्योंकि सेंटर ऑफ डिस्क तो मूव नहीं करने देगा वो तो इसीलिए आपका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा इंपल्सिव होगा तो अगर कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे देखोगे तो टेंशन तो एक इंटरनल फोर्स है बट नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है यस सर हां तो क्या लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपका कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा सर नहीं रहेगा तो लीनियर मोमेंटम आपका चेंज कर जाएगा बट एक चीज नोटिस करके देखो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे दिखा रहा हूं तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्सिस से ही पास कर रहा है हां सर और दोनों टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है यस है ना और जो वेट है वो तो नॉन इंपल्सिव है ना तो इस केस में जो बॉल के ऊपर जो वेट एमजी एक्ट कर भी रहा होगा उसकी वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम का सडन चेंज आपको दिखेगा नहीं तो अब अगर मैं सिचुएशन जस्ट आफ्टर यू नो टाइटनिंग का ड्रॉ करूं जस्ट आफ्टर टाइटनिंग का तो सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको अभी तक तो डिस्क घुमाया नहीं था अब डिस्क को घुमा लेते हैं ठीक है तो अब मान लेते हैं इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी आ चुका है एंड ये हमारा नीचे लटका हुआ है इधर इसके पास एक वेलोसिटी कुछ एक वी डैश हो गया है ठीक है तो देखो तो जो सर्कमफेरेंस का पॉइंट का वेलोसिटी है वो ओमेगा है ना हाँ सर तो क्या कंस्ट्रेंट बनेगा वी डैश की वैल्यू क्या ओमेगा से मैच करनी चाहिए राइट करनी चाहिए ठीक है और आपको ये पता है कि टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम भी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर है ना हाँ सर ठीक है अब बस इक्वेशन ये लिखना बचा हुआ है तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है आपको क्या है सिर्फ वो बॉल का ट्रांसलेशनल है दिख रहा है ना दिख रहा है हाँ सर और बाद में बॉल का ट्रांसलेशनल और डिस्क का क्या है रोटेशनल है ठीक है तो बस इन दोनों का इक्वेट कर दो सो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग जीरो ठीक है एमजी इज नॉन इंपल्सिव ध्यान रखना ये इंपल्सिव बोल रहा है ठीक है इंपल्सिव टॉर्क जीरो बोल रहा है नॉन इंपल्सिव तो एमजी है अब इस केस में आपका एल जो फाइनली होना चाहिए और एल जो इनिशियली होना चाहिए सेम होना चाहिए एल फाइनली जो होगा दैट विल बी 2m इनटू वी डैश व्हिच इज ओमेगा आर into r and plus disc ke liye mr square by 2 into omega that has to be equal to initially was m into v which is root under 2gl sorry 2m into v which is root under 2gl and into r dekho samajh aaya kya ha sir theek hai ab yahan se aapko aaram se omega mil jayega na omega ठीक है इसको निकाल नहीं रहा हूँ छोड़ दे रहे हैं ये मान लो एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखा है हमें मास एम और लेंथ एल का और यहाँ पे मान लो एक 2m मास का एक बुलेट है और इसको वेलोसिटी v नॉट से हमने स्ट्राइक कर रखा है फ्री एंड पे ठीक है और गिवन है कोलिजन इज परफेक्टली कोलिजन In elastic. Find omega just after collision. ठीक है अब ये सोच के देखो पेन फाइट में जो आप सोचते हो जब आप एक एंड पे मारते हो तो ट्रांसलेट करता हुआ घूमता हुआ जाएगा ना जब एक एंड पे मारेंगे बट क्या इसको मतलब ये दूसरे एंड पे जब आपने हिंज लगा रखा है तो क्या हिंज उसका अपर एंड को मूव करने देगा नहीं देगा सर नहीं देगा
इसका मतलब जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा, सोच रहे हो जब ये कोलिजन हो रहा होगा, मतलब अगर मैं इस सिचुएशन को दिखाऊं जब ये कोलिजन हो रही होगी, ये देखो सोचो इससे जब चिपक रहा है इससे, ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियस है यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा, दिस विल फील अ नॉर्मल रिएक्शन, यही नॉर्मल रिएक्शन इसको भी इधर लगेगा, अब ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे हिंज उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, एंड डैश, समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है? हाँ सर। और एक वर्टिकल रिएक्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो अगर आप देखोगे तो कॉम्बाइंड मास सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना, आ गया, आ गया ना, देख लिए, तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज एक्सटर्नल, जो एनएक्स दिखा रखा है, जो एनएक्स हमने दिखा रखा है, जो एनएक्स दिखा रखा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे, और इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हम कांस्टेंट रख सकते हैं सिस्टम का? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ठीक है, तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन सोचूं तो क्या कोई टॉर्क जनरेट होगा, इंपल्सिव टॉर्क? नहीं होगा सर। कहां होगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन? नहीं सर, वो तो नहीं होगा क्योंकि जीरो हो जा रहा है टॉर्क नॉर्मल का, ठीक है, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो फाइनली होना चाहिए और जो इनिशियल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, फाइनली तो प्योर रोटेशन का ही आएगा क्योंकि वो से चिपक चुका है, परफेक्टली इनइलास्टिक दे ही रखा उसने, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख लो आप यहां पे, तो बाद में चिपका हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियली कितना था 2m इनटू v नॉट एंड इनटू l mvr, समझ आ रही है आपको? हां सर। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है रॉड के लिए, तो आप लिखोगे तो ml स्क्वायर बाय 3 लिखोगे, n प्लस जब पॉइंट मास के लिए लिखोगे तो 2m एंड इनटू l स्क्वायर लिखोगे, समझ आ रही है? हां सर। That's it. तो यहां से फिर से आपको ओमेगा मिल जाएगा, समझ आई? हाँ सर, सर। इसी में मान लो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करें, इफ द रॉड वॉज फ्री टू मूव इंस्टेड ऑफ बींग हिंज्ड एंड the collision was perfectly elastic then find omega, ab omega nikalna hai rod ke liye, obviously rod ke liye nikalna hai, theek hai na, to ab situation ye hai ki before collision ka ek situation bana, ye dekho ye main before collision ka situation bana raha hu, theek hai, ये 2m mass का है और ये velocity v0 से आके strike कर रहा है, ये before collision and after collision का draw करो, ये after collision का है, elastic collision तो उसने दे रखा है, इसका मतलब दोनों अलग हो जाएंगे ना, होंगे नहीं होंगे, होंगे ना, अब values तो definitely change होगा velocity का, तो इसका velocity को मैं v1 मान लेता हूँ, रॉड के सेंटर का वेलोसिटी को मैं v2 मान लेता हूँ और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं, तो वेरिएबल हमने कितने चूज किए, 3 है ना, है या नहीं है, है? हाँ सर। तो 3 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 3 चाहिए, चाहिए ना? हाँ सर। यस सर। तो 3 इक्वेशन कहाँ से आएगा, पहला देखो कि इस कंबाइंड मास सिस्टम पे आपको एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं क्योंकि हिंज है ही नहीं, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, गुड, पिछली बार लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं था, उसका लॉजिक ऑलरेडी बताया, वो ध्यान रखना, ठीक है, इस बार आपका एफ नेट जीरो है एंड देयरफॉर लीनियर मोमेंटम फाइनली और इनिशियली सेम होने चाहिए, फाइनली मतलब 2m into v1 plus m into v2 should be 2m into v0, ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन होगी आपकी, देखो कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट हम टॉर्क जीरो देख सकते हैं, क्या कोई ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास, रॉड का, अच्छा ये सोच के देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट किया था या नहीं किया था,
हाँ सर कोलिशन के वक्त किया कोलिशन तो एक्सेलरेट किया क्योंकि दूसरा एंड कोलिजन से कोलिजन के वक्त उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो से नॉन जीरो वैल्यू पे गया इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो इसका मतलब ये काफी बड़ा एक्सेलरेशन था और बड़े एक्सेलरेशन से आपको सूडो फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा और सूडो फोर्स जब 2m पे लगाओगे तो उसकी वजह से टॉर्क आ जाएगा ना जाएगा सर ठीक है इसलिए आप सेंटर ऑफ रॉड पे बैठ के आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते आप बाहर का कोई भी पॉइंट ले लो बाहर पे जमीन पे ही कोई पॉइंट ले लो ना तो अब वो तो सेफ बेट होगा ना जैसे अगर ऐसे सोचो मैंने यहाँ एक लाइन खींचा देखो ये देखो इस लाइन पे ही मान लो कि कोई एक पॉइंट चूज कर लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं ए यही पॉइंट यहाँ पे भी है अब ये सोच के देखो इनिशियली क्या कोई एंगुलर मोमेंटम था ए के अबाउट नहीं सर नहीं तो बाद में भी नहीं होना चाहिए हाँ सर ठीक है बाहर का पॉइंट एकदम बिल्कुल सेफ बेट है तो यहाँ पे हमने क्या किया टॉर्क अबाउट ए ये जीरो है तो इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए अबाउट ए ठीक है अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका जीरो होगा क्योंकि इनिशियली भी जीरो था अब बाद में कितना था ये देखो पहले तो 2m मास वाले का क्या एंगुलर मोमेंटम कुछ दिख रहा है आपको इनिशियली या फाइनली कुछ भी नहीं क्योंकि देखो पॉइंट ए से वेलोसिटी पास कर रहा है दिख रहा है आपको हां सर बट रॉड के लिए देखो आपको दिखेगा बट देखो रॉड के लिए दिखेगा ट्रांसलेशन की वजह से ये l/2 डिस्टेंस है यहां से तो कितना दिखेगा आपको m * v2 * l/2 m * v2 * l/2 एंड दैट इज क्लॉकवाइज जबकि i ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ठीक है दिस इज क्लॉकवाइज एंड प्लस i ओमेगा मतलब m l स्क्वायर / 12 * ओमेगा एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 समझ आया हाँ सर तो m तो कट जाएगा यहाँ से एक l भी कट जाएगा तो आपके पास रिलेशन आ रहा है v2 is equal to omega l by 6 होना चाहिए ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया और तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा कौन सा कंडीशन हमने अभी तक यूज नहीं किया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इलास्टिक कंडीशन इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक होने का कंडीशन अभी तक यूज नहीं किया है तो इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होना चाहिए राइट एक तो है आप एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं बट वो लंबा होगा मैंने आपको ये कोलिजन मतलब जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था कि इलास्टिक कोलिजन हो तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज किया करो तो देखो तो जो सेपरेशन एंड अप्रोच जहां पे कोलिजन होता है वहां से लेना होता है तो जो पॉइंट जिस पे कोलिजन हुआ है उस पॉइंट पे रॉड की वेलोसिटी अब कितनी है ये बताएंगे आप ट्रांसलेशन की वजह से कितना है v2 plus omega l by 2 omega l by 2 तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना दिख रहा है देखो v2 plus omega l by 2 minus v1 हां सर दिख रही है सबको हां सर तो अब ये लिखेंगे सो इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो v2 plus omega l by 2 minus of v1 should be equal to v0 समझ आ गया यस सर देखो तीन वेरिएबल थे और तीन इक्वेशन हमने लिख लिए ना सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ठीक है यस सर सबको समझ आ गई है हाँ सर हाँ सर ठीक है आज इतना ही रहने देते हैं